नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार ने डीजल व्हीकल से जुड़े बैन ऑर्डर पर मॉडिफिकेशन की मांग की थी। एनजीटी ने साफ किया है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नवंबर 2014 को एनजीटी ने आदेश दिया था कि 15 साल से ज्यादा पुरानी सभी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने अप्रैल 2015 को आदेश दिया कि 10 साल से ज्यादा पुरानी सभी डीजल व्हीकल्स को दिल्ली में चलने की इजाज़त नहीं होगी। केंद्र सरकार डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से हटाने के खिलाफ है। वहीं घाटे में चल रही डीजल कार कंपनियों की उम्मीदें भी टूटी हैं, लेकिन एनजीटी भी अपने रुख पर कायम है। एनजीटी पहले ही डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से हटाकर दूसरे जिलों में भेजने का आदेश भी दे चुकी है। दिल्ली से संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स।